हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉप फॉर चेयर्स और मैं हूं शहनाज। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना और मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और उन लोगों के साथ शेयर करना जिनके लिए यूजफुल हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम फ्लिपकार्ट के हॉल के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने फ्लिपकार्ट से की है कुछ शॉपिंग। मैंने खरीदा है स्वेटशर्ट, टॉप और दो जीन्स। एक्चुअली हाई वेस्ट स्किन फिट जीन्स खरीदी है मैंने, वाइड लेग, स्ट्रेट फिट, वेल बॉटम बूट स्कर्ट्स के मतलब शॉपिंग में ना मैंने अपनी टाइट्स जो जीन्स है, जो स्किन फिट जीन्स है, वो मेरे वॉर्ड्रोब से मिसिंग थी। तो मैंने सोचा था कि एक ब्लैक, बेसिक ब्लैक और बेसिक वाइट कलर की जीन्स होनी चाहिए, सो मैंने वो खरीदी है। और बिल्कुल भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत चीपेस्ट हॉल है। दोनों डेनिम जीन्स तो 499 रुपीज़ की है और स्वेटशर्ट और जो टॉप है वो 699 रुपीज़ का है, बट दे आर वर्थ बाइंग इट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इन द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मेरी व्हाइट कलर की बेसिक जीन्स की, जो स्ट्रेचेबल भी है, हाई वेस्ट भी है और स्किन फिट है। सो वो ये वाली जीन्स है और इसकी प्राइस से 499 रुपीज़ है। एंड ट्रस्ट मी, ये गूटी ब्रांड कुछ है, गूटी फैशंस नाम है, गूटी स्पेल करेंगे, GUTI, गूटी ब्रांड है। और बहुत 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 मस्त फैब्रिक है, इतना अच्छा फैब्रिक है ना, आई टेल यू, मतलब प्रॉपर हाई वेस्ट जीन्स है। यही बटन दे रखा है, जिप है बंद करने के लिए, क्लोजर के लिए, आगे दो पॉकेट्स है, पीछे दो पॉकेट्स है और फुल लेंथ है और स्किन फिट है एंड सुपर कंफर्टेबल है। 34 इसमें मेरा साइज है और खूब 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 सारी स्ट्रेचेबल। स्किन फिट जीन्स स्ट्रेचेबल ना हो तो आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ वेयरिंग देम, बिकॉज स्किन फिट जीन्स एकदम स्किन को एकदम ऐसा स्नग हो जाती है, एकदम हगिंग हो जाती है लेग्स को, तो उसके लिए इसका स्ट्रेचेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हाईली स्ट्रेचेबल जीन्स हो तो बहुत अच्छे से वेस्ट में, बम्स में, हिप साइज में, थाई साइज में, नीचे काफ्स के एरिया में बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। और ये दिस जीन्स इज परफेक्ट, सुपर स्ट्रेचेबल है, सुपर कंफर्टेबल है और पहनने के बाद मतलब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड हाई वेस्ट है सो दैट इज़, तो लाइक अभी तक जितनी जीन्स मुझे, मेरे पास स्किन टाइट जो इसके पहले थी सारी लो वेस्ट थी क्योंकि वही फैशन था, बट हाई वेस्ट में स्किन टाइट स्किन फिट जीन्स मेरे पास ये पहली है एंड इट्स वर्थ इट। 499 रुपीज़ इज जस्ट नथिंग फॉर इट एंड बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। वाइट है, प्योर वाइट है और लेंथ भी फुल है, ऐसा नहीं है कि क्रॉप लेंथ है या कुछ ऊपर नीचे है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी हाइट के हिसाब से बहुत अच्छे से हाई वेस्ट भी आ रहा है और प्लस लेंथ भी फुल है, स्ट्रेचेबल है, उठने बैठने में बिल्कुल भी कहीं भी दिक्कत नहीं हो रही है और बहुत ज़्यादा कंफर्ट फिटिंग है। बेसिकली मैंने सोचा था कि मैं मिनिमम यानी चीपेस्ट वाला, मिनिमम प्राइजेस के हिसाब से लो टू लो वाला, सबसे लो वाले जीन्स को परचेज करूँगी और चीपेस्ट जीन्स को परचेज करूँगी, हाई वेस्ट स्ट्रेचेबल और स्किन फिट वाली। लेकिन मैंने दो ब्रांड ट्राई की बट 34 साइज में वो कुछ बराबर अप्रोप्रिएट नहीं थी और मुझे रिटर्न करनी पड़ी। फिर फाइनली मैंने सोचा कि अब मुझे नहीं कुछ मिल रहा है तो मैं सेम ब्रांड की ही ब्लैक कलर की जीन्स मंगाती हूँ और होपफुली वो मुझे अच्छी फिट बैठेगी। तो ये जीन्स मैंने ऑर्डर की गुटी ब्रांड की और इसमें मैंने बेसिक जीन्स ऑर्डर करने की बजाय मैंने सोचा नीकट वाली जीन्स, स्किन फिट में नीकट नहीं था मेरे पास जो मैंने ऑर्डर किया है, तो ये वाली वो जीन्स है, सेम ब्रांड है, गूटी गटी, आई डोंट नो व्हाट शुड इट बी लाइक, मैं तो गूटी ही बोल रही हूँ उसको। सो दिस इज द गूटी फैशन और वही सेम क्लोजर, जिप, दो पॉकेट्स हैं आगे पीछे और फुल लेंथ है, इसकी भी फुल लेंथ है एंड दिस इज ऑल्सो हाईली स्ट्रेचेबल। हालांकि वाइट कलर से ये वाली कंपेरेटिवली मुझे थोड़ी सी टाइट लगी, मतलब वो 34 एकदम कम्फर्ट लग रही थी, ये 34 थोड़ी सी फिटेड लग रही है, बट मुझे लग रहा है इसको पहनूंगी तो शायद इट विल टेक माई बॉडी शेप अकॉर्डिंगली एंड इट विल फिट मी प्रॉपरली, मतलब इतनी ज़्यादा टाइट नहीं लगेगी, टाइट मुझे नहीं लग रही है बट इट्स लिटिल अनकम्फर्टेबल, थोड़ा सा हल्का सा टाइट है क्योंकि वो पहनने के बाद इसे पहनो तो थोड़ा सा कम्फर्ट में समझ में आता है। बाकी ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और जैसे कि मैंने बोला कि नीज साइड में से इसको कट है तो दोनों साइड में इसको कट है और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्रॉपर डेनिम फैब्रिक है और स्ट्रेचेबल भी है इतना ज़्यादा और एकदम बॉडी हगिंग है और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, पहनने के बाद भी बहुत बहुत सही दिख रही थी, तो मतलब इट्स वर्थ, दिस इज ऑल्सो फॉर 499, सो इट्स वर्थ बाइंग दिस फॉर दिस प्राइस। मतलब इसमें बेसिक जीन्स भी है ब्लैक कलर की, ब्लू कलर की जीन्स भी है और वाइट तो मैंने आपको दिखाई दी, तो ब्लू वाली तो शायद मैं
इन क्यू है, शायद मैं ब्लू वाली भी खरीदूँ स्किन फिट, लेट्स सी व्हाट हैपन. बट राइट नाउ आई एम सुपर हैप्पी, यू कैन सी फ्रॉम माय फेस कि ये दोनों जीन्स को लेकर आई एम जस्ट लाइक सुपर हैप्पी. सो नेक्स्ट जो टी शर्ट है वो ये वाला टी शर्ट है, कटआउट वाला पैटर्न है इसमें, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने पर. एक्चुअली इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई लगी मुझे, 699, बट बिकॉज ऑफ पैटर्न मे बी इट्स लाइक दिस. और मैंने सोचा लेट्स ऑर्डर इट. और इसमें जो मेरा साइज बैठ रहा था ना वो डबल एक्सेल में जा रहा था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया और एक्सेल नहीं लिया, मैंने साइज के अकॉर्डिंगली, साइज चार्ट के अकॉर्डिंगली डबल एक्सेल ऑर्डर किया. सो दिस इज द टी शर्ट, सेम कलर है, सब कुछ सेम है जैसा दिख रहा है. मैक्स फैशन इसकी ब्रांड है. और जब मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे लग रहा था ऊपर का जो स्वेटशर्ट है ना वो अलग आएगा, जो कट क्रॉप स्वेटशर्ट है वो अलग आएगा, और अंदर का जो स्पेगेटी टॉप है वो अलग आएगा. बट ऐसा नहीं है, ये दोनों जुड़े हुए हैं. सो दिस इज द टॉप. ये बहुत मतलब बहुत अच्छी लेंथ है इसकी, बहुत अच्छे से लेंथ है इसकी, बहुत सुंदर दिख रहा है पहनने के बाद ये. और इस तरह से इसमें कार्टून नेटवर्क भी लिखा हुआ है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. और इसके आगे भी है, और ये है ना यहाँ से ऐसे अटैच्ड है, मतलब ये स्पेगेटी टॉप और ये स्वेटशर्ट जो है यहाँ से अटैच है, और इस तरह से ये दिख रहा है कटवर्क अगर आप पहनो और जैसे वीडियो में आप देख रहे हो. और ये स्पेगेटी टॉप है, स्पेगेटी टॉप के जो रिप पे है, जो वेस्ट लाइन के रिप पे है, उधर भी कार्टून नेटवर्क लिखा हुआ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है. और ये निटेड मटेरियल का है जो अंदर का स्पेगेटी टॉप है, और ऊपर वाला नॉर्मल होजरी कॉटन मिक्स मटेरियल दिख रहा है. तो पहन स्ट्रेचेबल है, इट्स लिटिल बिट स्ट्रेचेबल, बट डबल एक्सल साइज में मुझे तो बहुत परफेक्ट बैठ गया है. सो आई डोंट नो इसमें मुझे डबल एक्सल क्यों आया, यूजुअली मुझे एक्सल आ जाता है, बट इसकी साइज चार्ट के हिसाब से डबल एक्सल लिया मैंने, और इट्स परफेक्ट फॉर मी. मुझे तो बहुत अच्छे से बैठा, 38 बस साइज है मेरी, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छे से बैठा. एंड बस इतना था कि प्राइस थोड़ी सी ऑन अ हायर साइड थी, 699 रुपीज़. आई डोंट नो, मैंने सेल में तो नहीं लिया ये, जस्ट ऐसे ही मैंने कैजुअली मतलब सर्च करते करते ऐसे खरीद दिया, तो मुझे अच्छा लगा. थोड़ी सी हाईर साइड पे, बट ट्रस्ट में पहनने के बाद इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सो आई थिंक इट्स वर्थ इट. नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो ये वाला स्वेटशर्ट है. स्वेटशर्ट देख के ही ना ऐसे मन खुश हो जा रहा है, मतलब वो जो हार्ट वाला शेप का जो बना हुआ है और उसमें जो लेटर्स लिखे हुए हैं और जो ग्राफिक टाइप्स का जो लुक आ रहा है उसका बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. रेड कलर का स्वेटशर्ट है, सो आई वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड टू बाय इट. 599 इसकी प्राइस थी, एंड फॉर स्वेटशर्ट 599 इज गुड प्राइस टू बाय. एंड ये भी मैक्स फैशन से है. सो दिस इज द स्वेटशर्ट, सेम जैसा दिखा वैसा है. बस ये था कि मुझे लगा ये ठंडियों के लिए स्वेटशर्ट है, बट ये ठंडियों वाला नहीं है. मैं बता दूँ इसके अंदर कोई फ्लीस कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मल रेगुलर स्वेटशर्ट है. मतलब ये मैं पूरे समर सीजन में बहुत आराम से इसको पहन के निकल सकती हूँ बाहर, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे वैसा. और ये इसका पैटर्न है, हार्ट शेप, समथिंग स्पेशल. दिस इज़ लुकिंग सुपर 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 क्यूट ऑन मी. मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया. इसमें मेरी साइज़ जो है वो एक्सेल है, और 599 जैसे मैंने बोला कि इसकी प्राइस है. और ये है मैक्स फैशन से ये वाला स्वेटशर्ट है, एंड ये नॉर्मल स्वेटशर्ट है, विंटर वेयर नहीं है, नॉर्मल समर फैब्रिक है. सो यू कैन कैरी इट ऑल अलोंग और पूरे साल भर इसको पहन सकते हैं जैसे भी चाहो. अगर आपको इसको ठंड में भी पहनना है तो अंदर इनर डाल लो फुल स्लीव्स का और ये पहन लो, यू आर गुड टू गो. सो दिस हैज़ बिकम माई फेवरेट अमंग ऑल राइट नाउ. मतलब भले ये विंटर वेयर नहीं है, बट फिर भी सारे स्वेटशर्ट्स में ये वाला स्वेटशर्ट ना मेरा फेवरेट हो गया है, और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने वीडियो के एंड पे पहुँचते हैं. मैंने सारी चीज़ें चीपेस्ट प्राइस में खरीदने की कोशिश की थी क्योंकि आपके साथ शेयर कर सकूं और आपको भी थोड़ा इन बजट फ्रेंडली लगे सारी प्राइजेस. तो जीन्स, डेनिम जीन्स तो बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, 499 प्लस क्वालिटी इतनी अच्छी आई है और स्ट्रेचेबल है. अगर आप भी स्किन फिट जीन्स के लिए देख रहे हैं तो आई इंसिस्ट के गूटी ब्रांड की ये दोनों जीन्स आप ज़रूर ट्राई करें. इसमें ब्लू कलर भी है, सो आप अगर वो कलर लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है. स्वेटशर्ट इज आउट एंड आउट, एंड इवन द टी शर्ट जो है, जो टॉप है मैक्स का, वो भी एकदम अलग ही है और क्लासी लुक है उसका. सो एवरीथिंग व्हाट आई बॉट फ्रॉम फ्लिपकार्ट, आई एम सुपर हैप्पी विद दैट. और मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला कलेक्शन. आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए. कीप स्माइलिंग, हैप्पी शॉपिंग.